हेलो एवरीवन वेलकम टू लॉ वाला एडवोकेट मानसी जैन दिस अनदर सेशन ऑफ लीगल रीजनिंग जहां पर आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसका अब नाम चेंज हो चुका है एज पर द न्यू लॉ दैट इज द बीएनएसएस भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता साथ ही आईपीसी जो हम लोग कर चुके हैं इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल लॉ में हमने किया था आईपीसी को रिप्लेस किया है भारतीय न्याय संहिता में तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता क्या है आपने सब कुछ पढ़ लिया इंट्रोडक्शन टू क्रिमिनल लॉ में आपने सारा सब्सटेंटिव पार्ट पढ़ लिया है जितना भी आपका आईपीसी लॉ होता है क्रिमिनल लॉ का जो आईपीसी वाला पार्ट है जो कि बीएनएस लॉ है वहां पर सारे हैं के कि कभी कब -कभ, जब आप कोई भी पर्टिकुलर क्राइम करेंगे तो कौन कौन से चाहिए तब हम ये बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर क्राइम हुआ है जैसे उसमें मर्डर की डेफिनेशन है कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन है थेफ्ट की डेफिनेशन है बहुत सारे मल्टीपल ऑफेंसेज हैं उनकी डेफिनेशन है लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वर्क ऑन द प्रोसीजर इट टेल्स यू हाउ द प्रोसीजर वर्क जैसे कि बहुत सिंपल सा लॉ होता है कि जब कभी भी कोई क्राइम होता है तो सबसे पहले एफ आई आर रजिस्टर होती है उसके बाद पुलिस का सारा काम रहता है इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन का का करने के बाद का काम होता है इंक्वायरी का उसके बाद मेजिस्ट्रेट का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है तो जितने भी गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव फंक्शनरीज हैं उनको काम कैसे करना है ये सब कुछ मैंशन होता है आपका क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में जिसका नाम है भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और बी एन एस एस तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन आईपीसी लॉ एंड बिटवीन द सीआरपीसी लॉ तो इंडियन पिनल कोड में जैसा हमने कहा कि ये सबस्टैंडिव लॉ है मतलब ये डेफिनेशन ऑफर करता है कॉन्सेप्ट बताता है कि कौन से केसेस में क्राइम माना जाएगा सिमिलरली डिफाइन द क्रिमिनल ऑफेंसेज और उनकी पनिशमेंट्स भी आपकी आईपीसी लॉ में मैंशन रहती है अप्लाई करता है होल ऑफ इंडिया पे ये सारे क्रिमिनल केसेस पे अप्लाई होता है यहां पर आईपीसी में और सीआरपीसी में हम लोगों ने डिफाइन किया है कि किस किस टाइप के ऑफेंसेस होते हैं जो अभी हम लोग अपने मॉड्यूल में समझने वाले हैं जैसे कि कॉग्नेसिबल ऑफेंस नॉन कॉग्नेसिबल ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड सो ऑन पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है ऑफेंसेस को ऑन द बेसिस ऑफ आईपीसी क्योंकि यहां पर ऑफेंसेस की डेफिनेशन मेंशन है तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी होती है अरेस्ट एंड बेल प्रोविजंस आर मेंशन इन आईपीसी आल्सो तो इसके अलावा बेल प्रोविजंस एंड अरेस्ट प्रोविजंस भी मेंशन होंगे अब बात करते हैं सीआरपीसी लॉ की कि प्रोसीजर कैसे वर्क करता है तो सबसे पहले हम इसको बोलते हैं प्रोसीडरल लॉ कि कैसे प्रोसीजर मूव होगा अगर कोई क्राइम कमिट होता है तो क्या प्रोसीजर है क्या रूट लेना चाहिए पुलिस को या बाकी फंक्शनरीज को वो सब कुछ आपका बीएनएसएस में, में मेंशन है Outlines the procedure for conducting the criminal trials. Trials का मतलब होता है केस तो जिस तरीके से केस मूव होगा वो सब कुछ आपका CRPC में mention रहता है. It applies only to the criminal cases in India. It applies only to criminal trials and it does not classify the offences. And investigation is conducted as per CRPC. तो investigation का काम होता है पुलिस का तो किस तरीके से पुलिस investigation को move करेगी वो सब कुछ आपका CRPC में mention है.

ये कंटेन करता है सर्टेन प्रोविजंस जो कि कभी कभी प्रोसीजरल इन नेचर नहीं भी होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी चीजें मेंशन है सीआरपीसी में जो डेफिनेशन नेचर की है बट स्टिल दे आर द वेरी मच पार्ट ऑफ सीआरपीसी लॉ ओनली फॉर एग्जांपल Of nuisance, जो 133 में है. क्या मेंस रहता है वो भी सीआरपीसी लॉ के सेक्शन 125 ट्वेंटी एट में टोटली सीआरपीसी totally, में फोर एटी फोर सेक्शन है जो कि स्प्रेड किए गए हैं थर्टी सेवन चैप्टर में इसमें टू स्केड्यूल्स है और साथ ही फिफ्टी सिक्स फॉर्म्स भी है

किस तरीके से प्रोसीजर वर्क करेगा ये आपका सीआरपीसी में, में मेंशन है द होल फ्रेमवर्क ऑफ सीआरपीसी इज बेस्ड ऑन द थ्री फंडामेंटल कंसिडरेशन वॉट आर दी फ्री थ्री फंडामेंटल कंसिडरेशन कि ट्रायल हमेशा फेयर होना चाहिए फेयर का मतलब है कुछ भी उसमें डिसऑनेस्टी नहीं होनी चाहिए कुछ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए फेयर ट्रायल होना चाहिए हर इंसान को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए कोर्ट में चाहे वो इंसान अक्यूज ही क्यों ना हो

प्रोसीजर शुड बी सिंपल सिंपल प्रोसीजर होना चाहिए फीजेबल होना चाहिए और एक फेयर डील होनी चाहिए फॉर द कम्युनिटीज पुअर पर अगर कोई अक्यूज पुअर है डेस्टिट्यूट है तो यहाँ पर लॉ ये भी बोलता है कि उनको फ्री लीगल एड मतलब फ्री लीगल हेल्प मिलती है उस अक्यूज को क्योंकि हर किसी को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए कोर्ट में तो फॉर एग्जाम्पल Uh, जो चोरी का केस चल रहा है वो किसी रिक्शा पुलर पर चल रहा है और उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो एक एडवोकेट को हायर कर सके तो इस केस में उसको फ्री में एडवोकेट प्रोवाइड किया जाएगा जो कोर्ट में उसकी तरफ से उसकी बात कहेगा उसके लिए लड़ेगा द कोर्ट स्टैब्लिश द हर आर् ऑफ क्रिमिनल कोर्ट इन विच पर्टिकुलर ऑफेंसेज कैन बी ट्राइड एज वेल एज द मैक्सिमम पेनल्टीज दैट सच कोर्ट्स में इनफ्लिक्ट साथ ही इस सीआरपीसी का एम होता है दैट इट विल बी अकॉम्प्लिश विद ऑल द स्टेट फंक्शनरीज तो मतलब जो भी आपके स्टेट लेवल पर एग्जेक्यूटिव है और जो सेंट्रल लेवल पर एग्जेक्यूटिव है दोनों की वर्किंग इसमें गिवन है मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यूनियन लेवल पर एप्लीकेबल है स्टेट लेवल पर जो होता है कि हर पर्टिकुलर स्टेट में पुलिस को कैसे वर्क करना है प्रोसिक्यूटर एंड मेजिस्ट्रेट को कैसे वर्क करना है वो सब कुछ आपका सीआरपीसी में गिवन है विद द फंक्शनरीज एंड कोऑर्डिनेशन कमिटमेंट एंड टू एनहांस द इंटेग्रिटी इसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस की ऑफेंसेस को कैटेगराइज किया गया है थ्री कैटेगरीज में नंबर वन बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस नंबर टू कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड नंबर थ्री इज कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस सो लेट्स अंडरस्टैंड द कैटेगरीज वन बाय वन सबसे पहले आ जाते हैं बेलेबल ऑफेंस में तो बेलेबल ऑफेंस में सीधा सीधा बेल मिलना बेल इज द राइट ऑफ द अक्यूज राइट ऑफ द अक्यूज का मतलब है बेलेबल में जो अक्यूज ने क्राइम किया होता है वो उतना ज्यादा हीनियस और सीरियस नेचर का नहीं होता वो पिटी ऑफेंसेस हो सकते हैं वहां पर बेल मिलना राइट right होता है मतलब कोई भी जज मना नहीं कर सकता कि आपको बेल नहीं मिलेगी तो दैट इज वाई ये बेलेबल ऑफेंसेस में आते हैं तो बेल मिलना यहां पर इज अ मैटर ऑफ राइट अकॉर्डिंग टू सेक्शन ए बेलेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जहां पर बेल के बारे में फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन है यहां पर ये सारे ऑफेंसेस आते हैं बेलेबल ऑफेंसेस में जिनकी पनिशमेंट होती है बिलो थ्री इयर्स तो मतलब ऑटोमेटिकली कोई भी ऑफेंस जो किया गया है अगर उसकी पनिशमेंट आईपीसी में तीन साल से कम की है तो ऑटोमेटिकली वो बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में चला जाएगा यहां पर नॉन ग्रेव ऑफेंसेस आते हैं लेस सीरियस ऑफेंसेस आते हैं कुछ इनके एग्जांपल्स हैं जैसे ब्राइबरी चीटिंग फोर्जरी डेथ बाय राश और नेग्लिजेंट एक्ट एंड पब्लिक न्यूसेंस तो इन सभी की पनिशमेंट लेस देन थ्री इयर्स है तो ये बेलेबल ऑफेंस में जाएंगे मतलब बेल मिलना हक है बेल मिलना राइट right है नॉन बेलेबल ऑफेंस अब बच्चों को लगता है नॉन बेलेबल ऑफेंस पढ़ के कि यार इसमें तो बेल नहीं मिलेगी पर ऐसा कुछ नहीं है नॉन बेलेबल ऑफेंस में भी आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं लेकिन Bail milna na milna will be the discretion of the court. डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट का मतलब है कोर्ट की मर्जी है कि वो आपको बेल दे या ना दे नॉन अबेलेबल में आप बेल के लिए बिल्कुल बशर्ते अप्लाई कीजिए लेकिन आपको बेल मिले या ना मिले वो कोर्ट डिसाइड करेगा आपके कंडक्ट को लेके किस तरीके का आपने ऑफेंस किया है किस नेचर का आपने ऑफेंस किया है आप कितना कोऑपरेट कर रहे हो ये सब फैक्टर्स को कोर्ट देखता है और उसके बाद नॉन अबेलेबल में भी बेल मिल सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन टू ए नॉन बेलेबल ऑफेंसिसड्यूल नॉन बेलेबल ओफेंस में बेल मिलना आपका हक नहीं होता बट ये कोर्ट की मर्जी होती है डिस्क्रिप्शन का मतलब है कोर्ट की मर्जी जुडिशियल मेजिस्ट्रेट ही सिर्फ ग्रांट कर सकता है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है मतलब कोई और मेजिस्ट्रेट मेजिस्ट्रेट की भी क्लासेज होती है तो सिर्फ और सिर्फ वो मेजिस्ट्रेट जो जुडिशियल मेजिस्ट्रेट की पोजिशन पर है वही बेल को ग्रांट कर सकता है दीज आर देंसेज विच आर पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट अबव थ्री ईयर्स तो ऑटोमेटिकली जिन भी जिन भी क्राइम की पनिशमेंट होती है अबव थ्री ईयर्स वो ऑटोमैटिकली आपके नॉन बेलेबल की कैटेगरी में जाएंगे क्योंकि ये ऑफेंसेस काफी ग्रेवर माने जाते हैं काफी हीनियस और सीरियस माने जाते हैं इनके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि मर्डर रेप थेफ्ट रॉबरी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कॉजिंग मिस कैरेज विदाउट वुमेन्स कंसेंट तो इस तरीके के ऑफेंस में आप नॉन अवेलेबल की कैटेगरी में हम डालेंगे और बेल मिलना कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होगा इसके बाद आता है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का मेंशन मैंक्शन टू सी में सीआरपीसी में ये वो वाले ऑफेंसेस होते हैं जहां पर कॉग्निजेबल में आपके फिर दोबारा से अगर हम देखें तो काफी ज्यादा हीनियस और सीरियस ऑफेंसेस आ जाते हैं और कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब है द पुलिस कैन अरेस्ट Without वॉरंट क्योंकि आपने इतना बड़ा क्राइम किया है आपने इतना सीरियस क्रा, क्राइम किया है तो जैसे मूवीज में देखते हैं बहुत बार कि कभी किसी कैरेक्टर को अगर पुलिस अरेस्ट करने जाती है तो सामने वाला सीधा छूटता ही बोलता है कि आपके पास warrant है मुझे अरेस्ट करने के लिए तो यहां पर अगर आप cognizable ऑफेंस करके बैठे हो तो पुलिस को किसी warrant की जरूरत नहीं है आपको अरेस्ट करने के लिए वो आपको बिना वॉरंट के भी अरेस्ट कर सकती है और दीज आर द हैज बीन शोन इन कॉग्निजेबल ऑफेंस फर्स्ट ये वो होते हैं जिनकी पनिशमेंट तीन साल से ज्यादा होती है तीन या तीन साल से ज्यादा जिसकी पनिशमेंट है ऑटोमेटिकली वो सीरियस या हीनियस ऑफेंसेस में आएंगे तो पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है पुलिस आर अंडर अ लीगल ड्यूटी टू इन्वेस्टिगेट विदाउट द परमिशन ऑफ मैजिस्ट्रेट आल्सो तो इन्वेस्टिगेशन सेकंड प्रोसीजर होता है जो पुलिस को करना होता है लेकिन सीआरपीसी के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पुलिस को मैजिस्ट्रेट का ओके या मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर चाहिए होता है लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस कैन इन्वेस्टिगेट विदाउट द परमिशन ऑफ मेजिस्ट्रेट आल्सो यहां पर आपके ऑफेंसेस हैं मर्डर रेप डाउरी डेथ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट एक्सेट्राउंड अब बात करते हैं नॉन कॉग्निजेबल तो ये उसका उल्टा हो गया नॉन कॉग्निजेबल में पुलिस को अरेस्ट करने के लिए वारंट चाहिए चाहिए ही ही होगा साथ सेकंड पॉइंट पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं शुरू कर सकती जब तक मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर नहीं दिया तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस लेस सीरियस ऑफेंसेज होंगे इस नेचर के जो सेक्शन टू वन में आर है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज में पुलिस कैन नॉट अरेस्ट विदाउट अ वॉर एज शोन एंड इसमें सारे वो ऑफेंसेस हो गए जिनकी पनिशमेंट होती है आपकी लेस देन थ्री इयर्स तो ये आपके पिटी ऑफेंसेस में आ जाते हैं यहां पर पुलिस के पास पावर होती है दे कैन नॉट इन्वेस्टिगेट द ऑफेंस विदाउट द परमिशन ऑफ द मैजिस्ट्रेट द पुलिस केन नॉट स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन जब तक मैजिस्ट्रेट उनको कमांड या परमिशन नहीं दे देता यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं लाइक वॉलेंटरली कॉजिंग हर्ट चीटिंग मिसचिप फोर्जरी एक्सेट्रा इसके बाद आ जाता है आपका कंपाउंडेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस तो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस कुछ ऐसा होता है जहां पे कुछ एक कॉम्प्रोमाइज हो सकता है कोर्ट का उसमें असेंट चाहिए होता है जहां पर जनरली जैसे देना चाहता हूं मैं नहीं चाहता दे रहा है और कोर्ट ने भी ओके okay किया है तो यहां पर काफी सारे ऑफेंसेज अगर मल्टीपल ऑफेंसेस किए हैं अक्यूज ने वो कंपाउंड कर दिए जाएंगे क्लब करके सिर्फ एक सजा भी मिल सकती है फॉर एग्जाम्पल अगर चार करे करें हैं, किसी की सजा है तीन साल किसी की चार किसी की दो साल किसी की एक साल तो कंपाउंडिंग करके ऐसा किया जा सकता है कि मैक्सिमम टोटल फोर इयर्स की पनिशमेंट दे दी गई है अक्यूज को बट इस कंपाउंडिंग में कोर्ट का असेंट होना भी जरूरी होता है कंपाउंडेबल आर ऑफेंसिस

ज किया तो विक्टिम मान गया कि ठीक है आप इसको सिर्फ चोरी चोरी की सजा दे दीजिए चार्जेस ड्रॉप करने के लिए विक्टिम का अग्री होना जरूरी होता है सेक्शन 320 सीआरपीसी में मेंशन है कौन कौन से ऑफेंसेस में कंपाउंडिंग पॉसिबल होगी इस कॉम्प्रोमाइज के लिए समटाइम्स इवन द कोर्ट परमिशन इज रिक्वायर्ड जैसा मैंने कहा कि कोर्ट का परमिशन भी रिक्वायर्ड होता है विक्टिम का तो है ही कोर्ट का परमिशन भी रिक्वायर्ड होता है फॉर एग्जाम्पल इफ एन ऑफेंस ऑफ थेक्स प्लेस एंड बोथ द पार्टीज द कंप्लेनेंट एंड द अक्यूज नीड्स टू टेक प्रायर परमिशन मतलब अगर छोटे छोटे ऑफेंसेस होते हैं तो वहां पर कोर्ट का परमिशन की जरूरत नहीं है विक्टिम का ओके okay होना काफी है लेकिन अगर थोड़ा बड़ा लेवल का ऑफेंस होता है तो वहां पे कोर्ट का परमिशन होना भी जरूरी है ऐसा नहीं है विक्टिम ने कह दिया इसको माफ कर दो तो कोर्ट भी माफ कर देगा कोर्ट को लगा नहीं यहाँ पे माफी रिक्वायर्ड नहीं है सजा देनी पड़ेगी तो वहां पर कंपाउंडिंग के लिए कोर्ट कैंसिल कर सकता है सो वी नीड टू टेक अ प्रायर परमिशन फॉर कॉम्प्रोमाइज एग्जाम्पल वेयर इज लाइक सेक्शन वन थर्टी एट जो नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट्स के केसेज होते हैं जहां पे चेक बाउंसिंग होती हैं तो चेक बाउंसिंग के केस में कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये छोटे लेवल पर माना जाता है तो यहां पर अगर वन थर्टी एट नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट का केस होता है एनआई एक्ट जो आता है उस केस में हम एग्जाम्पल है ये कि उस केस में कोर्ट की परमिशन इज नॉट रिक्वायर्ड अदर ऑफेंसेस कोर्ट्स परमिशन नॉट रिक्वायर्ड इसके अलावा अगर डिफेमेशन का कोई केस है क्रिमिनल ट्रेसपास का केस है एडल्ट्री का केस है हर्ट कॉजिंग का केस है यहां पर इन सब इंस्टेंसेस का एग्जाम्पल है जहां पे कोर्ट की परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती सिर्फ और सिर्फ विक्टिम का कंसेंट होना मैंडेटरी है। विक्टिम का कंसेंट होना तो बिल्कुल मैंडेटरी है अगर सीधा सीधा माफी मिल जाएगी तो विक्टिम नहीं कहेगा कि मेरे साथ ही नहीं हुआ तो विक्टिम का होना है। कहीं -कहीं पर का चाहिए इसके बाद आते कौन कौन से टाइप के हैं जहां पर आप बिना कोर्ट के कंपाउंडिंग नहीं कर सकते हो तो इसका मतलब थोड़े से सीरियस ऑफेंसेस में आ जाएंगे जैसे कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वॉलंटरली कॉज ग्रीवियस हर्ट डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी असोल्ट ऑन वुमन विद द इंटेंशन टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, तो इस तरीके के ऑफेंसेज में कोर्ट का परमिशन मैंडेटरी रिक्वायर्ड है फॉर कंपाउंडिंग इसके बाद आ जाते हैं नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस मतलब ये आपके बहुत ही सीरियस हीनियस लेवल के ऑफेंसेस हैं जहां पर ऐसे कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता सजा ही मिलेगी तो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस में विक्टिम एंड अक्यूज कैन नॉट रिजॉल्व एंड कैन नॉट डू अ कॉम्प्रोमाइज सच एन ऑफेंस कैन ओनली बी क्वर्स बाय एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट बिकॉज द ग्रेविटी क्योंकि यहां पे ऑफेंस की जो ग्रेविटी है जो मैटर की सीरियसनेस है हीनियसनेस काफी ज्यादा होती है इसीलिए यहां पर पनिशमेंट से बचा नहीं जा सकता ऑफेंसेस विच आर नॉट मेंशन इन 320 तो 320 सीआरपीसी में लिस्ट मेंशन है कि कौन कौन से ऑफेंसेस में कंपाउंडिंग पॉसिबल है तो जो ऑफेंसेस 320 सीआरपीसी में मेंशन नहीं है ऑटोमेटिकली वो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की कैटेगरी में जाएंगे और फ्यू एग्जाम्पल्स आर रेप मर्डर एक्सेट्रा नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वॉट इज सेक्शन वन ऑफ सी जो कि एक मेजिस्ट्रेट को वाइड और पार देता है सेक्शन 144 एक एग्जेक्यूटिव मजिस्ट्रेट को ये पार देता है दैट इन द केसेस ऑफ एनी न्यूसेंस और इन द केसेस ऑफ द एप्रीहेंडेड डेंजर ऐसे केसेस में यहाँ पर मजिस्ट्रेट के पास ये पार होती है कि वो धारा 144 लागू कर देता है आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा जैसे कि राम रहीम वर्डिक के टाइम पे ऐसा हुआ था कि धारा 144 लागू हो गई थी कोविड पैंडेमिक के दौरान जब लॉकडाउन इशू हुआ तब भी धारा 144 लागू हो गई थी और लोगों को सिर्फ इतना पता होता है कि ऐसे में चार से पांच लोग साथ में अगर खड़े होंगे तो उनको पुलिस अरेस्ट कर सकती है बट 144 को इश्यू कौन करता है क्या क्या पार्स होती है लेट्स ऑन इट तो यहाँ पर एग्जेक्यूटिव मैजिस्ट्रेट सेक्शन 144 को लागू कर सकता है यहां पर इस केस में उनके पास पार होती है कौन कौन से केसेस में होता है आर स्पीडी रेमेडी डिजायरेबल या इस केस में अगर कभी इमीजिएट प्रिवेंशन स्टेप्स कुछ लेने पड़ते हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ताकि कोई ना कोई डेंजर या राइट्स जैसी सिचुएशन ना हो वहां पर एग्जीक्यूटिव मेजिस्ट्रेट सेक्शन 144 को इशू करता है

What is the scope of section 144? ऑर्डर ऑफ द एक्शन टेकन अंडर दिस सेक्शन इज एंटीपेटरी नेचर Anticipatory का मतलब है कि एक तरीके से फोर्स करना अनुमान लगाना तो जब भी magistrate को लगता है कि ऐसा कुछ डेंजरस सिचुएशन आने वाली है या जैसे कि pandemic के टाइम पे ये था कि लॉकडाउन इशू हुआ सेक्शन 144 लागू हुई क्योंकि उनको पता था कि अगर लोग मिलेंगे तो कोविड और ज्यादा फैलेगा तो एक anticipate करते हैं फोर्सी करते हैं magistrate की अगर लोग मिले तो इस केसेस में यहां पर और ज्यादा डेंजरस सिचुएशन के चांसेस हैं तो ये एक एंटीसिपेटरी नेचर होता है सर्टेन एक्शनस आर रिस्ट्रिक्टेड इवन बिफोर दे एक्चुअली अकर व्हेनेवर एज़ पर द ओपिनियन ऑफ मैजिस्ट्रेट देर इज अ सफिशिएंट ग्राउंड तो जब भी मैजिस्ट्रेट को लगता है कि एक नेसेसरी और सफिशिएंट ग्राउंड है और उस केस में यहां पर 144 को लागू कर दिया जाता है ऑर्डर विल डायरेक्ट एनी पर्सन टू विद होल्ड फ्रॉम डूंगाउन के टाइम पे कि घर पे रहना है बाहर नहीं निकलना है तो यहाँ पर लोगों को कुछ एक्टिविटीज करने के लिए मना किया जाता है उनके प्राइवेट राइट सस्पेंड हो जाते हैं फॉर द टाइम बींग इफ अटेन प्रॉपर्टीज इन द पोजेशन और अंडर हिज मैनेजमेंट जो मेजिस्ट्रेट के मैनेजमेंट में है तो उस प्रॉपर्टी को लेकर अगर कोई डिसीजन है तो मैनेजमेंट यहां पर मेजिस्ट्रेट ले सकता है क्या क्या ग्राउंड्स होते हैं जिसके बिहाफ पर 144 को इशू किया जाता है ग्राउंड्स आर अगर ऑब्स्ट्रक्शन को प्रिवेंट करना है सपोज लग रहा है कि राइट्स होने वाले हैं ऑब्स्ट्रक्शन होने वाला है तो वहां पर 144 फोर्टी इशू किया जाएगा अनॉयंस को अगर लग रहा है कि लोग यहाँ पर अः कुछ ना कुछ न्यूसंस क्रिएट कर सकते हैं पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट कर सकते हैं लोग तो अनोयस को प्रिवेंट करने के लिए किया जा सकता है अगर मेजिस्ट्रेट को यह लगता है कि किसी ना किसी पर्सन को इंजरी टू एनी पर्सन हु इज लॉफुल इंप्लॉयड तो किसी ना किसी पर्सन या प्रॉपर्टी को अगर इंजरी हो सकती है तो वहां पर भी मैजिस्ट्रेट 144 को अप्लाई कर सकता है मेजिस्ट्रेट विल थिंक कि अगर 144 लागू नहीं की तो किसी ह्यूमन लाइफ को डेंजर है किसी की हेल्थ को डेंजर है या सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पे कुछ डेंजर आ सकता है अगर मेजिस्ट्रेट को लगता है कि पब्लिक पीस ट्रांकिटी डिस्टर्ब होने वाली है राइट जैसी सिचुएशन आने वाली है तो वहां पर भी 144 को इश्यू कर सकते हैं राइट मतलब अगेन दंगे फसाद या एफरे मतलब लड़ाइया तो इस तरीके की चीजों को प्रिवेंट करने के लिए दीज आर द ग्राउंड ऑन विच द एग्जीक्यूटिव मेजिस्ट्रेट कैन इशू सेक्शन वन

इस केस में जैसा कि अभी हमने कहा कि प्राइवेट राइट्स कुछ टाइम के लिए सस्पेंड कर दिए जाते हैं पब्लिक को पब्लिक पीस को प्रायोरिटी मिलती है सेक्शन 144 में जितने भी सिविल केसेस होते हैं जो कोर्ट्स में चल रहे होते हैं रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी और सूट इश्यूज तो यहाँ पर प्रॉपर्टी के मैटर्स को करेंटली 144 जब तक लागू होता है उस टाइप के सिविल केसेस कोर्ट में हियरिंग में नहीं जाते हैं

उस केस में टाइमली इनको सस्पेंड किया जाता है तो आर्टिकल 19 में जितने भी आपको फ्रीडम्स गारंटेड है 19 में दीज रिस्ट्रिक्शंस आर रीजनेबल तो यहां पर जैसा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं कि वो अपने साथ एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लेके आते हैं तो इस केस में आपके आर्टिकल 19 में जितने भी फ्रीडम्स है लाइक फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फ्रीडम टू जॉइन एसोसिएशन फ्रीडम ऑफ रिलीजन वगैरह यहां पर टेंरली जब तक 144 को लागू किया जाता है तब तक आपके आर्टिकल 19 के जितने भी फ्रीडम्स हैं वो टेम्परली रिस्ट्रिक्ट कर दिए जाते हैं

बहुत कॉमन लैंग्वेज में आपने कभी सुना होगा कि किसी के नाम के समन निकल गए हैं किसी के नाम के वारंट निकल गए हैं तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है और वैसे ही दोनों केसेस होते हैं समन केसेस जनरली तब होते हैं समन और वारंट का मतलब होता है कि कोर्ट समन इशू करता है या कोर्ट वारंट इशू करता है कि आइए कोर्ट में अपनी पेशी दीजिए तो सपोज की कोई क्राइम करके कोई मर्डर करके या रेप करके या कोई भी डेकोइटी करके कोई भाग गया है जो कि मिल नहीं रहा तो उसके नाम के वारंट इश्यू होंगे कि जल्दी आइए और आपको कोर्ट में अपनी पेशी देनी है तो उस केस में पुलिस ऑफिसर को भी वारंट्स मिलते हैं ताकि वो अरेस्ट कर सके समंस कॉन्ट्ररी सिविल केसेस में जनरली जाते हैं या पिटी ऑफेंसेस में अगर आपने minor कोई violations करी है रिगार्डिंग ट्रैफिक एंड सिविल अपनी हाजिरी लगानी होती है समन्स और वॉरेंट तभी होते हैं जब पार्टी डायरेक्टली खुद कोर्ट नहीं जा रही है या वो कोर्ट की डेट्स को अवॉइड कर रही है तो वहां पर समन या वॉरेंट डिपेंडिंग ऑन द ऑफेंस जो आपने कमिट किया है उसको इशू कर दिया जाता है

दोनों कॉपीज पे साइन होते हैं जज के प्रेसिडेंट के साथ ही समन पर कोर्ट की सील होना बहुत जरूरी है अगर समन में कोर्ट की सील नहीं है या जज प्रेसिडेंट ने उसको साइन नहीं किया है तो वो वैलिड समन्स नहीं है तब आपको कोर्ट में जाने की कोई जरूरत भी नहीं है तो इट इज कंसिडर्ड एज इन समन्स द शुड क्लियरली स्टेट द नेम। तो समन के अंदर कोर्ट का नाम जिस कोर्ट ने इशू किया है उस कोर्ट का नाम रहना चाहिए उस कोर्ट की लोकेशन होनी चाहिए किस डेट और किस टाइम पर समन इशू किया है ये सारी डिटेल समन के अंदर होनी चाहिए तभी वो वैलिड समन है अदरवाइज वो इन समन्स में चला जाएगा

वॉरेंट अगेन में भी ये सेम है कि warrant में court की official seal होनी चाहिए, चाहिए के presiding officer ने उसको sign किया होना चाहिए, और वैलिड रहते हैं जब तक कि कोर्ट उनको कैंसिल नहीं करता सपोज छह महीने पहले किसी के नाम के वारंट निकले थे वो इंसान आज तक गायब है तो वारंट यहां पर वैलिड माना जाता है जब तक कोर्ट उस वारंट को खुद कैंसिल नहीं करता

in some cases warrant cases can be given to the police officer who operates even outside the jurisdiction of the judicial magistrate but it will require the approval for exec of executive magistrate or the police officer in charge of the police station तो कभी कभी यहां पर ऐसा हो सकता है कि सपोज कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कोई वारंट इशू किया तो उस केस में दिल्ली के अंदर अगर वो पर्सन मिल जाएगा तो दिल्ली पुलिस को वारंट मिलेंगे कि आपको इस बंदे को अरेस्ट करके लाना है लेकिन सपोजली वो जो एप्सकॉन्डर है जो एक्स पर्सन है जिसको अरेस्ट करना है सपोजिडली वो तमिलनाडु में जाके छुप गया है तो वहां पर तमिलनाडु की पुलिस को भी वारंट मिल सकते हैं कि आपको जाके इस एक्स पर्सन को अरेस्ट करना है लेकिन उस वारंट के लिए एग्जेक्यूटिव मेजिस्ट्रेट का अप्रूवल होना जरूरी है या पुलिस इंचार्ज का जो स्टेशन का ऑफिसर है तभी आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन वाले पुलिस ऑफिसर भी वारंट की वजह से अरेस्ट कर सकते हैं वट इज अ डिफरेंस बिटवीन द नेचर ऑफ ऑफेंसेज जैसा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया द प्राइमरी डिफरेंस इज दैट की समन वॉरेंट केसेस के नेचर अलग होते हैं जो समन केसेस होते हैं वो जनरली समन्स तब इशू होते हैं जब आपने कोई छोटे मोटे ऑफेंसेज किए हैं या कोई ट्रैफिक वायलेशन किए हैं या माइनर ब्रीचेस करे हैं या स्मॉल स्केल छोटे मोटे डिस्प्यूट हुए हैं सिविल नेचर के तब उस केस में समन्स इशू किए जाते हैं ऑन द कॉन्ट्री वॉरंट केसेस में वारंट तब इशू होते हैं जब आपने हीनियस या सीरियस क्राइम्स किए होते हैं लाइक फेलनीस क्राइम सच एज रॉबरी मर्डर सेक्सुअल असोल्ट एक्सेट्रा तो हीनियस ऑफेंसेस के केस में वॉरंट इशू होंगे एंड लेस सीरियस ऑफेंसेस के केस में समन्स इशू किए जाते हैं इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स की बात करें तो समन केसेस में लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाती हैं बाय बाय फाइलिंग द द पार्टी तो जैसा सिविल केस में होता है हमेशा की एक अग्रीव पार्टी जिसको हम प्लेनिव कहते हैं जब वो अपना केस फाइल करता है तो डिफेंडेंट के नाम के समन्स इशू किए जा सकते हैं द कोर्ट देन इशूज अ समन टू द अक्यूज कंपेलिंग टू अपियर इन द कोर्ट ताकि इस केस में समन इशू होते हैं कि उस पार्टी को कोर्ट में आना है वारंट केसेस हमेशा तब स्टार्ट होते हैं जब सबसे पहले उस पर्टिकुलर क्राइम की एफआईआर होना बहुत जरूरी है क्योंकि क्रिमिनल केसेस तो मैंडेटरी आई एफआईआर जैसे ही इशू की जाती है जैसे ही एफआईआर रिपोर्ट लिखी जाती है तो उस केस में कोर्ट उसके बाद वारंट अरेस्ट वारंट निकालता है जहां पर पुलिस को ये अथॉरिटी मिलती है कि वो अरेस्ट कर सकते हैं ऑफ दैट पर्सन अक्यूज जो कि इस टाइम पे लापता है या गायब है <coughs> कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट कितना रहता है क्योंकि समन केसेस उतने ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं तो कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम रहता है समन केसेस में और वारंट केसेस में क्योंकि नेचर ऑफ ऑफेंस बहुत ज्यादा हीनियस होता है बहुत ज्यादा ग्रेविटी ऑफ दी ऑफ़ेंस ज्यादा है तो वहां पर कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट वॉरंट केसेस में काफी ज्यादा रहता है तो समन केसेस में टिपिकली रिक्वायर्स द लेस डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट एंड द जिसके नाम के समन निकले हैं जनरली कोर्ट एक्सपेक्ट करता है कि वो खुद ही कोर्ट में मौजूद हो जाएगा खुद ही कोर्ट में जल्दी से जल्दी पेश हो जाएगा क्योंकि सामने वाले को पता है उसके नाम के समन्स आ चुके हैं जबकि वॉरेंट केसेस में मोस्टली जो अक्यूज होते हैं वो यहां पर फरार हो जाते हैं तो वहां पर कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा से ज्यादा रिक्वायर्ड होता है to play a more active role in overseeing the arrest and subsequent legal proceedings, increased court involvement is again due टू the अक्टिव of इन ओवर ड्यू टू दीज बेल की बात करें तो cases में easily बेल मिल जाती है लेकिन warrant cases में अगेन अब ये चेक होगा कि bailable ऑफेंस किया है नॉन bailable ऑफेंस किया है अगर नॉन bailable ऑफेंस किया होगा तो warrant केस में कोर्ट की मर्जी होगी कि बेल ग्रांट होगी कि नहीं होगी तो समन केसेस में अक्यूज ऑफन हैज द अपॉर्चुनिटी टू सीक द बेल इजीली समन केसेस इन्वॉल्व द लेस सीवियर ऑफेंसेस तो इस केस में कोर्ट जनरली बेल इज़ीली ग्रांट कर देती है विदाउट एनी स्ट्रिक्ट प्रोविजन वॉरेंट केसेस की बात करें तो ये बहुत ज्यादा सीरियस ऑफेंसेस होते हैं तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट बेल प्रोविजंस होती हैं।, accused, cases, तो करें हैं तो हमने पढ़ा है कि वो नॉन बेलेबल ऑफेंस में जाएंगे तो वहां पर कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होगा कोर्ट की मर्जी होगी कि जिसके नाम के वॉरेंट निकले हैं उसको बेल देनी है या नहीं देनी है इसके बाद बात करते हैं ट्रायल प्रोसीजर की कि प्रॉपरली केस कैसे चलता है समन केसेस में जनरली दे फॉलो अ सिंपलर एंड एक्सपीडाइटेड ट्रायल प्रोसीजर तो जल्दी फास्ट और स्पीडी डिलीवर ऑफ जस्टिस होता है फास्ट चलते हैं केसेस और सिंपल प्रोसीजर होता है काफी ज्यादा एफिशिएंटली और स्विफ्टली ट्रायल को मूव किया जाता है ऑन द कॉन्ट्ररी वॉर केसेस की बात करें तो यहां पर केस की बारीकी को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना पड़ता है तो एट टाइम्स लेंदी ट्रायल्स भी हो जाते हैं ऑफन अ मोर इंटेलटिव ट्रायल प्रोसीजर इंक्लूडिंग यहां पर आपका एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस होता है क्रॉस एग्जामिनेशन भी होता है प्रेजेंटेशन ऑफ सबस्टेंशियल एविडेंसेस भी होते हैं तो ये प्रॉपरली आपका एक फुल फ्लैज ट्रायल होता है जहां पे मल्टीपल स्टेजेस भी आपके होते हैं लीगल रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो जा, चाहे समन केस हो चाहे वारंट केस हो आप अपना वकील हायर कर सकते हैं जो कोर्ट में आपको रिप्रेजेंट करेगा एंड ऑब्वियसली समन केस क्योंकि ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं तो एडवोकेट आप हायर करिए लेकिन अगर वारंट केसेस हैं तो ये मेरी सलाह होगी कि आप एक अच्छे से अच्छा क्रिमिनल लॉयर अगर हायर करेंगे तो वो आपको एक्यूरेटली कोर्ट में रिप्रेजेंट कर पाएगा पेनल्टीज की बात करें तो जैसा कि हमने कहा समन केसेस जो हैं वो लेस सेवियर हैं तो पेनल्टीज भी उतनी ज्यादा सेवियर नहीं होती हैं तो जनरली पेनल्टीज में फाइंस होते हैं या कोर्ट वार्निंग देके छोड़ देता है या लिमिटेड इंप्रिजनमेंट होता है अगर जेल भी भेजा जाता है तो वो कुछ बस एक दो महीने मैक्सिमम तक की सजा होती है बिकॉज दे आर लेस सेवियर केसेस की अगर बात करें तो क्योंकि ये भी हो सकता है, और लंबे टाइम के लिए पांच या दस साल तक की जेल भी हो सकती है अपील प्रोसेस की बात करें तो अपील होता है जब आप पर्टिकुलर कोर्ट के जजमेंट सेटिस्फाइड नहीं होते हो तो आप उससे ऊपर की कोर्ट में अपील कर सकते हो तो अपील प्रोसेस आल्सो डिफर बिटवीन समन केसेस एंड वारंट केसेस वारंट केसेस में जनरली जो अपील प्रोसेस होता है वो काफी प्रोट्रैक्टेड होता है और हायर कोर्ट्स ड्यू टू द सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंसेस तो वारंट केसेस में मल्टीपल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक इन्वॉल्व हो जाते हैं अपील प्रोसेस में लेकिन अगेन ऑन द कॉन्ट्री अगर हम बात करें समन केसेस की तो वो लेस सेवियर होते हैं तो यहाँ पे अपील प्रोसेस थोड़ा सा स्मूद होता है और जनरली लोअर जुडिशरी लेवल तक अपील प्रोसेस को अप्लाई किया जाता है एग्जाम्पल्स <coughs> की बात करें तो केसेस अगेन लेस सेवियर एग्जाम्पल्स कुड बी माइनर ट्रैफिक वायलेशन पब्लिक न्यूसेंस या पिटी थे लेकिन वॉर केसेस में आपके हीनियस ऑफेंसेस आ जाएंगे तो दे विल इनकम पास मर्डर रेप ड्रग ट्राफिकिंग सीरियस फाइनेंशियल फ्रॉड्स एक्सेट्रा सो टोटल सेशन में हमने आज पढ़ा सीआरपीसी का जो मेजर पार्ट है जिसके ऊपर आपको क्वेश्चंस आएंगे आपके ओलेट एग्जाम्स में सो फॉर एग्जांपल यहां पर आपको सारे कैटेगरीज ऑफ ऑफेंस समझना बहुत जरूरी है समन केसेस एंड वारंट केसेस भी समझना जरूरी है एंड 144 फोर्टी फोर सेक्शन वन पे भी रेकरेंटली क्वेश्चन आते हैं सो प्रैक्टिस अ ऑफ ऑन दीज टॉपिक्स एंड मिलते हैं आपसे अगले सेशन में तब तक के लिए टेक केयर एवरी वन बाय ऑल